कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा यूसुफ किसी दिन इसी रास्ते से वापस लौट आए। खुदावंदा, जे मेरा यूसुफ वापस लौटा दे। गुज़श्ता शब मुझे आपके चेहरे पर अजीब सी अफसुर्दगी के आसार दिखाई दिए। मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? बाप की दूरी की वजह से। काश आज वो मेरे पास होते। तकरीबन 30 साल होने को आए मैं उनसे दूर हूँ और हर रोज मेरी रूह उनकी जानिब परवाज करती है। मगर वो कहाँ हैं? आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते या उन्हें अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? दरअसल मेरा किनान से ताल्लुक़ है और यहाँ से 1 माह की मुसाफत है। मैंने बारहा चाहा कि उनसे मिलने जाऊँ और उन्हें अपने हालात से बाखबर करूँ, लेकिन शायद अभी उसका वक्त नहीं आया। अभी अहले मिस्र को मेरी अशद ज़रूरत है और वो इस वक्त मुश्किल में हैं। इन्हें जिस्मानी और रूहानी ग़िज़ा की ज़रूरत है और मैं अब तक उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। मुझे खौफ है अगर मैं अपने बाबा और दीगर अहले खाना के फ़िक्र में रहा तो अपने फ़राइज़ के दुरुस्त बजावरी से गाफिल न हो जाऊं और मुझ पर आयद ज़िम्मेदारी नामुकम्मल न रह जाए। लेकिन कब तक? वो आपके वालिद और ख़ानदान वाले हैं, उन्हें आपके पास होना चाहिए। एक रोज़ आएगा जब वो यहाँ होंगे, लेकिन तब तक मुझे उनकी जुदाई का दर्द सहना होगा। मुझे ये परेशानी है कि अगर मैं बाबा को अपने अहवाल से बाखबर कर दूँ तो कहीं वो मेरे भाइयों को मुकसर जानकर उन पर नफरीन न कर दें, बिलखसूस जबकि मैं जानता हूँ कि बनी इसराइल अभी तक तायब नहीं हुए हैं। जब तक इरादा खुदावंदी इस हिजर फराक पर है मैं भी सब्र करूँगा। ये बनी इसराइल कौन है? इसराइल मेरे वालिद याकूब नबी की कुनियत है और मुझे और मेरे भाइयों को बनी इसराइल कहा जाता है। गोया नबी खुदा अपने भाइयों यानी बनी इसराइल के हाथों दुखी हैं, जिसके बारे में याकूब नबी को कुछ नहीं मालूम। क्या मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? वक्त आने पर जान जाएंगी। मैं जानती हूँ आप मर्दों के सीनों में कई ऐसे राज होते हैं कि जिन्हें आप बताना पसंद नहीं करते। मैं इस सवाल की बाबत आपसे माजरत चाहती हूँ। हर राज एक दिन फाश होकर रहेगा, वक्त आने पर सब जान जाएंगी। बरसों पहले मैंने आपसे कहा था कि एक साहिर है महबद ने पेशन गोई की थी कि युजार सेफ आपके मुस्तकबिल और ईमान के लिए खतरा बन जाएगा। युजार सेफ भूल जाए, मैंने बारह ये बात आपसे कही, लेकिन आपने कोई तवज्जो नहीं दी। आपने पूरी जिंदगी उस अर्शिफ की खातिर जाया कर दी।
लेकिन क्या गासिर को भूल जाए, कुछ अपनी फिक्र करे। मेरी जुलेखा का ख्याल अब इस तरह ही कमी क्या करे मामा, वो मेरी मुन्नी सुहागन थी, वो मेरी खात्मा थी, मेरी माँ थी। अब मैं अपना दर्द दिल और अपना हाल किससे कहूँ? सब्र कीजिए बहनो, आपको खुदाओं का वास्ता, सब्र कीजिए। आप मेरी हमदर्द हमराज थी, मैं आपको अपने पास लाई थी ताकि तुम्हें मर्ग मेरी मोने सो हमदर्द रहे। आपको खुदाओं का वास्ता है बहनो, सब्र कीजिए। ये जार सीफ की जुदाई का दुख क्या कम था जो अब कारी मामा की मौत के गम का भी इजाफा हो गया। ये तमाम खुदा कहाँ है आखिर? क्यों ये तमाम खुदा कारी मामा से भी ज्यादा बेजान और उनसे भी ज्यादा साकित तो खामोश होकर मेरे गमों अंधों के तमाशाई बने हुए हैं। मैं कैसे सब्र करूं? जाओ कारी मामा के लिए ताबूत का इंतजाम करो। मेरी शर्माई की तरह मेरे साथ साथ रहती थी। मैं रातों को आराम से सोया करती थी और वो एक माँ की तरह जागकर मेरा ख्याल रखा करती थी। आराम से सो जाइए कारी मामा, आराम से, आराम से। ये किसका जनाजा है? कारी मामा। बेचारी कारी मामा, कैसी बेचारगी है। बानो जुलेखा की दस्ते रास थी, क्या शान व शौकत हुआ करती थी उनकी। यानी कसम में अब कोई भी नहीं रहा? मेरा भी यही ख्याल है। बेहतरीन मौका है, हमें चलकर देखना चाहिए। अफसोस, क्या हम इसे ले जा नहीं सकते? हाँ वाकई।
तुम लोग वापस जाओ, कस्म में कोई नहीं है। क्या कर रहे हो आहिस्ता? ये पूतीपार का कसर है या रूहों का? यहां तो हर जगह जाला तना हुआ है। चलो, इस जगह तो कुछ भी नहीं है। चलो यहां तो हर जगह जाला तना हुआ है। चलो, इस जगह तो कुछ भी नहीं है। चलो
फिलहाल उन्हें कुछ मत बताना, ये सुनकर वो मजीद दुखी हो जाएंगी। अगर बाद में पता चला तो कहीं वो हम पर शक ना कर बैठे। क्या हुआ, यहां क्यों जमा है? आपके लिए एक बुरी खबर है बानो। यानी बुरा हादसा पेश आया है? कसर में चोरी हो गई है। कोई नई बात नहीं। वैसे आप क्या चुरा ले गए? जब हम वापस लौटे तो दो आदमी कसर से बाहर निकले और तेजी से भाग गए। हम उन्हें नहीं पहचान सके। गालिबन वो दोनों कोई आवारा चोर थे। हम देर से पहुंचे बानो, इसलिए हम कुछ भी न कर सके। हम में से किसी को तो यहां रहना चाहिए था। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जरूर जेवर का मुझे अब क्या करना है? मैं खुद को किसके लिए आरास्ता करूं? यूजारसीफ के लिए? तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? क्या तुम आमून मिस्रियों के खुदाए अजीम नहीं हो? क्या मैं तुम्हारे माबत की देवी, तुम्हारी हमसर नहीं हूं? आखिर कब तक सिर्फ यूं ही तमाशाई बने रहोगे? कोई तो मेरी मदद करे। आखिर ये जिल्लत हमारी कब तक, ये दर्द गम कब तक? यूसुफ से दूरी का गम, कारी मामा की मौत का गम, अपनी जवानी गवा देने का गम, या अपने मालो मता बर्बाद हो जाने का गम। ए अमून, मेरी मदद फरमा। हौसला कीजिए बानो। यूसुफ़, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्या है आपका? कुछ बोलती क्यों नहीं? मुझसे क्या चाहती हैं?
क्या हुआ है नबी खुदा? फिर उसी बूढ़ी औरत को देखा है, वो मुझसे मदद तलब कर रही थी, लेकिन मैं नहीं जानता वो कौन है, यानी मैं उसे कहाँ तलाश करूँ। ख्वाबों के इसरार और रमूज नबी खुदा से पोशीदा नहीं है। अगर उस ज़ईफ़ा का चेहरा वाज़े तौर पर दिखाई नहीं दे रहा और आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, तो यकीनन इसमें कोई मसलियत खुदावंदी होगी। वो हाथ फैलाए मदद तलब कर रही थी। अगर वो ज़रूरतमंद होती तो खुदावंद उसकी जानिब आपकी रहनुमाई ज़रूर कर देता।